दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। प्रधानी चुनाव है और चुनाव में अलग अलग प्रकार के कैंडिडेट आते हैं। कई महिला सीटों की महिलाएं अपनी ताल ठोकती हैं, पुरुष सीटों में पुरुष ताल ठोकते हैं। प्रधानी चुनाव बड़ा टफ चुनाव होता है। गांव की एक एक समस्या को नोट करना पड़ता है। यहाँ की समस्याएं वो जो प्रधान करा सकता है पूरी उनको, और वो समस्याएं जिन पर मांग उठा सकता है प्रधान। ऐसे ही हम एक नए कैंडिडेट से मिल रहे हैं जो प्रधानी पद की उम्मीदवार भी हैं और जो स्वर्गीय श्री भगवान दास जी की कहें कि नातनी हैं, और उनके जो बाबा बब्बा रहे हैं वो 20 साल लगातार प्रधान रहे पूरा कला के। पूरा कला फिर से प्रधानी चुनाव है और यहाँ से इनकी नातनी पूजा है जो है वो अब ताल ठोक रही हैं चुनावी मैदान में। 24 साल की उम्र है पूजा की, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और अब अपने गाँव के विकास के लिए चुनावी मैदान में है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे जो पूरा कला क्षेत्र है, पूरा कला गांव है, उसकी क्या समस्या है और कैसे उसका निदान करा पाएंगे। काफ़ी समस्या है यहाँ की, उन समस्याओं को निपटाने में, उन समस्याओं का निदान कराने में नाकाम है यहाँ के नेता। यहाँ के लोगों ने आवाज़ भी नहीं उठाई है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता साफ देखने को मिल रही है। तकरीबन 20,000 लोग प्रभावित हैं यहाँ पर स्कूल ना होने की वजह से, और तालबेहट जाती हैं यहाँ की बच्चियाँ, यहाँ के बच्चे, बहुत कुछ खर्च होता है। आइए नहीं, सब चीज़ों को लेकर हम पूजा जी से बात करें। पूजा जी, आपका स्वागत है। प्रधानी चुनाव आप तैयारियां कर रही हैं पूरा क्लास से, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 10,000 की पॉपुलेशन है, कैसे देख रही हैं चुनाव? सबसे पहले तो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में भेजिए कि यहाँ पे इंटर कॉलेज और हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो हम इसके लिए सबसे पहले यही आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि हम जैसी कितनी भी लड़कियाँ जो मतलब पठारी में पूरा कला यहाँ पे आस पास कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे स्कूल बने। हाँ, मतलब जितने भी नेता हैं, सांसद, विधायक, अभी तक किसी ने भी मतलब शिक्षा के क्षेत्र में कोई फोकस नहीं किया। अच्छा, जैसे स्कूल की बात करें तो काफ़ी दिनों से इसकी मांग उठ रही होगी पहले से। आप कहाँ पढ़े हैं? जी, हम पहले तो हमारी 8 तक की पूरा कला में, इसके बाद हमने हाई स्कूल इंटर तालवर से की है और फिर इसके बाद हमने बीबी से। तो कितना खर्च आ जाता है, चूँकि आप यहाँ पूरा कला क्षेत्र में गाँव में रहती हैं और यहाँ से फिर आप ताल पढ़ी, यहाँ से आप दान करती थी, क्या करते थे? हाँ, हमने 9th में यहीं से अब दान किया, इसके बाद हमने तालवेट में रूम लिया, जिसकी मतलब खर्चा कम से कम तकरीबन 60,000 के समथिंग हुआ एक साल का। तो बड़ा खर्चा, मतलब यहाँ पर पढ़ा लिखाई की बहुत मेन पढ़ाई लिखाई हो गई, और यहाँ पर अगर आप जैसी बच्ची अगर वहाँ पर पढ़ने में इतना खर्चा है तो सभी का यही खर्चा आता है। हाँ, सबका बिल्कुल यही है, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ की कोई लड़की पढ़ने नहीं जाती है आगे तक, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम ये होगा कि 50% बच्चियाँ पढ़ती नहीं होंगी आपके बाद, नहीं यहाँ के माँ बाप पढ़ाते नहीं होंगे, जाने ही नहीं देती अकेले। हाँ, अकेले नहीं जाए। कितनी दूर पड़ता है यहाँ से पूरा से चालू? 25 किलोमीटर। सड़क में भी बहुत खराब है। हाँ, बहुत खराब है, जाने में दिक्कत है। और आवागमन के लिए क्या टैक्सी है, क्या है? टैक्सी वो भी नहीं मिलती कभी, कभी वो भी नहीं मिलती, बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, आप पूरा कला में रहती हैं, क्या समस्या है पूरा कला की? और क्योंकि विद्यालय हो गया, इसके बाद स्वास्थ्य भी जरूरी है, तो अस्पताल भी है क्या आपके यहाँ? नहीं, मतलब है लेकिन उसकी मतलब कोई डॉक्टर नहीं है, देख रेख सही तरीके से नहीं है, तो अभी भी अगर मान लो किसी को डिलीवरी है तो वो तालवेट जाएगा, तालवेट से जाएगा, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे, डॉक्टर नहीं है। अच्छा, आप गाँव में घूम रही होंगी, प्रचार कर रही होंगी, तो साफ सफाई कैसी है गाँव की? नालियों की बहुत खराब है यहाँ पे, कोई सफाई नहीं होती है। तो नहीं, यहाँ के प्रधानों ने काम नहीं कराया? नहीं, कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, मतलब पठारी में तो किसी की शौचालय भी नहीं बने आसपास इस क्षेत्र में। जो सरकार की जनहित कल्याणकारी स्कीम्स हैं वो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं? जी बिल्कुल नहीं, नहीं पहुँच पा रही हैं। इसको लेके आप क्या कहेंगे, करेंगे आगे? अगर आप प्रधान पद पे उन्हीं बार होकर जीत कर आते हैं, लोग आपका भरोसा करते हैं, जैसे कि आपके दादाजी का बड़ा नाम है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जागरूकता के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे शौचालय बनवाएंगे, पहला उद्देश्य है, और शिक्षा के क्षेत्र में मतलब हाई स्कूल की इंटर कॉलेज की मांग कर सकते हैं। इसके बाद जिसके आवास नहीं है उन्हें आवास बनवाएंगे, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, और जी मतलब जो भी सरकार की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराएंगे सबसे पहले जी। और अच्छा, आप देखिए कि आपके गांव में यहाँ पे मतलब मुक्ति धाम भी नहीं है पूरा सबसे मेन समस्या है, ये सबसे पहले वही बनेगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर पूजा जी जीत कर आती तो सबसे पहला काम है कि मुक्ति धाम ही बनेगा, है ना? सभी लोग बता रहे थे, लोग भी बहुत चर्चा कर रहे, हम लोगों ने भी बात की है, तो ये बता दें पूरा कला में मुक्ति धाम की बड़ी समस्या है, हरजन बस्तियाँ जहाँ पर, वहाँ पर साफ सफाई की बड़ी समस्या है। ऐसा लगता है जैसे हरजनों को आप कोई, उनका कोई है ही नहीं देखने वाला सुनने वाला,
उस पर क्या काम करती नजर आएंगे? अरे सबसे पहले हम उनकी मतलब सब मांग पूरी होगी, सब होगी, हाँ, साफ सफाई का भी फोकस होगा, उन्हें काउंसलिंग भी करेंगे, समझाएंगे, सब बताएंगे। अच्छा, एक आपका ऐसा कुछ जैसे एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए क्या कोशिश की जाएगी, लोगों के साथ जुड़ेंगे, कैसे टीम बनाएंगे? क्योंकि आप अकेले तो काम आप कर नहीं पाएंगे, तो वो लोगों की टीम होगी, आप जैसे सीनियर बच्चियों को आप साथ में लेंगे युवा लड़कियों के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मतलब जो ब्यूटी सिंगल का कोर्स भी करवाएंगे, मतलब जो औरतें हैं उनके लिए रोजगार के लिए व्यवस्था करेंगे। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? जी हम यही कहना चाहेंगे कि आप हम लोग हमारा सपोर्ट करें, अगर हम प्रधानमंत्री हैं आपकी जो भी समस्याएं हम सब पूरी करेंगे। धन्यवाद। पूजा।